राजनांदगांव शहर के मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार के लिए एक निर्धन परिवार से 2100 रुपए मांगे जाने को लेकर गौशाला पिंजरा पोल द्वारा संचालित मुक्ति धाम को प्रशासन के अधीन करने की मांग करते हुए युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस पार्षद द्वारा लकड़ी और छेना रखकर प्रदर्शन किया गया। शनिवार को राजनांदगांव शहर के राजीव नगर वार्ड क्रमांक 42 के निवासी शिव प्रसाद सारथी की 17 वर्षीय बेटे इंद्रचंद की मौत हो गई। बेटे की मौत से पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी तरह अंतिम संस्कार के लिए शव को मठपारा स्थित मुक्ति धाम ले जाया गया। अंतिम संस्कार के दौरान जब वे लकड़ी लेने पहुंचे तो वहां उन्हें 2100 रुपए की रसीद कटाने को कहा। यह सुनकर जवान बेटे की मौत के सदमे से गुजर रहे पिता को दोहरा आघात लगा। रोजी मजदूरी करने वाले पिता के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। जब कोई उपाय सूझा तो उन्हें अपने वार्ड के पार्षद ऋषि शास्त्री से संपर्क किया। तब ऋषि शास्त्री मुक्ति धाम पहुंचे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी में रकम देने की बात कही। तब जाकर शिव प्रसाद को उनके बेटे के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध कराई गई। इस मामले के बाद मुक्ति धाम प्रबंधन समिति के खिलाफ कांग्रेस के पार्षद ऋषि शास्त्री और युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष निखिल द्विवेदी ने संस्था से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख के निवास के सामने छेना लकड़ी रख कर प्रदर्शन किया। वही गौशाला पिंजरा पोल के द्वारा संचालित इस मुक्ति धाम को प्रशासन के अधीन करने की मांग की। जी, हमारे वार्ड के परिजन थे शिव प्रसाद सारथी जी, जिनके पुत्र इंद्रचंद सारथी जी की आकस्मिक निधन हो गया था। मुझ तक जानकारी पहुंची कि मुक्ति धाम ले जाया गया है और वहां उनसे 2100 रुपए रकम मांगे जा रहे हैं दाह संस्कार के लिए, जबकि वो ऐसा परिवार है, उनके पिताजी मानसिक रूप से थोड़ा सा अपंग है, साथ ही रोजी रोटी करके जीवन गुजारा कर रहे थे। एक महीने लॉकडाउन के हो गए, काम बंद था, उनके जेब में फूटी कौड़ी भी बची नहीं हुई थी। ऐसे परिस्थिति में भी गौशाला पिंजरा पोल का जो मुक्ति धाम है वहाँ पर रकम की मांग की गई। मैं वहाँ स्वयं गया और वहाँ जिम्मेवारी में कि हम राशि की व्यवस्था करेंगे यह कह करके फिर उसके बाद दाह संस्कार हो। उसके पहले काफ़ी अपीलें हुई कि मुक्तिधाम समिति शुल्क ऐसे जो परिजन हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है उनका शुल्क माफ़ किया जाए, लेकिन इस सेवाभावी संस्था के अंदर सेवा की भावना नहीं दिखी और उन्हें बाद में इस तरीके से उनका दाह संस्कार करना पड़ा। क्या मांग कर रहे हो आप, क्या होना चाहिए? हम ये मांग करते हैं, ये सांकेतिक प्रदर्शन एक गरीब परिवार के लिए, एक ऐसे परिवार के लिए है जो 2100 रुपए नहीं जुटा पाता। ऐसे समय में ऐसी संस्था जिस प्रकार से जो परिजनों के साथ करती है, तो हम यहाँ पे मांग करेंगे कि प्रशासन जो है वो अपने अधीन ले इस संस्था को। और ये पोल खुलती हुई दिख रही है इस सेवाभावी संस्था की। ऋषि शास्त्री, वार्ड पार्षद। लॉकडाउन के चलते जब लोगों के पास काम धंधे नहीं है तब रोजी मजदूरी करने वाले परिवार अपने परिजन के अंतिम संस्कार के लिए रुपए भी नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे वक्त में गौशाला पिंजरा पोल संस्था के द्वारा संचालित मुक्ति धाम में निर्धन परिवारों से भी रुपए की मांग की जा रही है, जो इस संकट की घड़ी में मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। यही कारण है कि युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मुक्ति धाम को प्रशासन के अधीन करने की मांग की है। वही कांग्रेस पार्षद ऋषि शास्त्री ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इस मामले की कार्रवाई करने की मांग की है। अपने प्रदर्शन के द्वारा युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि मठ पारा मुक्ति धाम को शासन व कुछ समाज सेवी से अनुदान व आर्थिक सहयोग भी मिलता है, इसके बावजूद कठिन परिस्थिति में एक लाचार पिता को मुक्ति धाम संस्था द्वारा कोई मदद उपलब्ध नहीं कराई गई। संस्कारधानी में एक बहुत ही निंदनीय घटना देखने को मिली कि कल एक गरीब परिवार जब मुक्ति धाम लखोली स्थित मुक्ति धाम पहुँचता है अपने परिजन का अंतिम संस्कार करवाने, वो वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ अंतिम संस्कार करने में मना कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास 2100 रुपए नहीं होते। मुक्ति धाम समिति जो है वो गौशाला पिंजरा पोल की संस्था से संचालित करती है,
इस संस्था के जो प्रमुख हैं वो 15 साल से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बहुत ही नज़दीकी रहे हैं, सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे हैं खूबचंद पारक जी। खूबचंद पारक जी के अंदर मानवता खत्म हो चुकी है। किसी गरीब का अंतिम संस्कार के लिए भी यदि 2100 रुपये नहीं है तो उसे मना कर दिया जा रहा है। ऐसे कोविड काल में ऐसे लोगों की मानवताएँ मर चुकी है, जबकि इस संस्था को करोड़ों रुपये का अनुदान निरंतर आता रहता है। फ्री के कंडे गौशाला से संस्कारधानी मुक्तिधाम में पहुंचते हैं और वहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन कल इस घटना के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया, हमारे पार्षद साथी ने एक समाजसेवी को बोलकर उसकी रसीद कटवाई और तत्काल उसका अंतिम संस्कार करवाया। लेकिन आने वाले समय में ऐसा ना हो इसके लिए हम लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है और हम जिलाधीश से कल मांग भी करेंगे कि इस संस्था को की जांच भी हो और इसे बंद कर दिया जाए। इसे तो अंतिम संस्कार का जो पैसा है वो निशुल्क कर दिया जाए, जिससे राजनांदगांव की जनता को कोई भी पैसा ना लगे। इसे शासन के सुपुर्द कर दिया जाए, अन्यथा नगर निगम के सुपुर्द इस मुक्तिधाम को कर दिया जाए, जिससे वहाँ की व्यवस्थाएँ प्रशासन निःशुल्क कर पाए।